Hitesh Bhai Kai Ji, Ashish Ji, Deepak Ji, mere pyare saathi, namaste. आज सुबह मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था अपने दफ्तर में बैठकर, और आप जानते हैं मैंने भी विद्यार्थी परिषद में बच्चों 12 वर्ष काम किया है, बाल सूत्रों का विवेकानंद जी को हमेशा मेरे पास 100 मकान है तो 100 मकान को भी रख सकते हैं,
मेरे पास 2000 एकड़ जमीन तो नहीं ले सकते, तो फिर अपने प्रवासी अपने छोटे मजदूर इसके नाम से बेनामी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो बेनामी एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने लगभग 28 साल तक उसको क्रियान्वित नहीं किया था। नोटिफिकेशन का हमने आगे वो किया ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज, ये टेक्नोलॉजी के आधार पर देश को बदलने की कोशिश। मेरे साथियों, ये युग है सूचना का, सूचना पावर। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। ये समय है टेक्नोलॉजी का, तकनीक ताकत है। दिस द एज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज पावर। और जब मोदी जी 2013 के चुनाव प्रचार में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था, और कभी जब भारत की डिजिटल क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा तो उस नारे की भावनात्मक पृष्ठभूमि रखा जाएगा। उन्होंने 2013 में एक प्रचार जब शुरू किया था तो उन्होंने कहा था मेरा भारत कैसा बनना चाहिए। उन्हें कहा था आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, मैं ऐसा भारत बनाऊंगा। मतलब इंडियाज टैलेंट आईटी, भारत की क्षमता, प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज इक्वल टू इंडिया टू वर्ल्ड। तो ये सारे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भारत की डिजिटल तस्वीर क्या है? 125-30 करोड़ के हिंदुस्तान में 118 करोड़ मोबाइल फोन है, जिसमें 50 करोड़ स्मार्टफोन। जरा बताओ तो यहां बैठे हुए कितने लोग फेसबुक पर हो? हम लोग तो देखो ही सभी है, बहुत बड़ी। कितना लोग ट्विटर पे हो? देश का आईटी मंत्री तुम्हारा अभिनंदन करता है, के बेटा। ये भारत 50 करोड़ इंटरनेट, 118 करोड़ आधार का है, और बिगेस्ट स्टार्टअप मूवमेंट जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की। हम हर साल 5 से 6 हजार स्टार्टअप नए बनाते हैं, 5 से 6 रोज बनाते हैं। अब हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कैसे कर रहे हैं? हमने गरीबों के 30 करोड़ जनधन अकाउंट खोले जो बैंक से बाहर थे, रिक्शा वाले, चाय वाले, पान वाले, ठेला वाले, बाकी छोटे किसान। 30 करोड़ हमने उनके जनधन अकाउंट खोले, उसको हमने आधार से जोड़ा और मोबाइल से। गरीबों का राशन की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, मनरेगा का पेमेंट सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था। आपको जानकर खुशी होगी कि हमने सिर्फ 57,000 करोड़ रुपया बचाया पिछले 2 साल में, जो बिचौलिए या छात्र के लोग खा जाए। बेटी पैदा हुई नहीं, बेटी बड़ी भी हो गई, बेटी की शादी भी हो, बेटी विधवा भी हो गई और विधवा पेंशन लेने लगी। अपने सवाल किया, आज इसके माध्यम से हम देश में एक जबरदस्त बदलाव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। आप लोगों को याद होगा राजीव गांधी की एक टिप्पणी थी जो भारत के प्रधानमंत्री थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम दिल्ली से 1,000 रुपया भेजते हैं और गरीब के अकाउंट में 1,000 रुपया। आधार के माध्यम से हमने 2.5 करोड़
एक राशन कार्ड को पकड़ करके आधार सेवा कैसा काम हो रहा है महाराष्ट्र में आपको मालूम है और कई बाकी प्रदेशों में ट्राइबल बच्चों की फीस सरकार देती है कपड़े सरकार देती है बाकी छात्रावास का रहना भोजन तो महाराष्ट्र में कलेक्टर ने कहा कि सारे आदिवासी बच्चों के स्कूल को आधार पे ले आओ तो ले आए तो 40% बच्चों की संख्या कम हो गई ऐसा कैसे हो गया दीवार नीति का फिर दीवार नीति का तो 40% कम हो गया तो ने पूछा हेडमास्टर से कि कैसे हो गया तो उसने समाप्त हुआ कि सर सही नंबर तो यही था बाकी सिर्फ रजिस्टर पर था हम बात समझते हो फिर कहा टीचर की गिनती करो तो भी 10% कम देखिए ये जो चाहे आदिवासियों की पढ़ाई का पैसा हो या बाकी पैसा हो ये सरकार का पैसा नहीं होता ये आपका पैसा होता जो टैक्स के माध्यम से सरकार के पास आता है अब मनरेगा का पेमेंट क्या होता है आप मजदूर हैं आपको दिन में मौका मिलना चाहिए तो आप कभी काटते हैं मिट्टी कभी सड़क बनाते हैं कभी तालाब बनाते हैं तो पेमेंट होता है अब मनरेगा के पेमेंट से क्या हो गया पहले ऐसे ऐसे गांव हुआ करते थे बिहार उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश में जहां कोई मजदूर नहीं है सभी संपन्न किसान है लेकिन रिकॉर्ड पर सबसे अधिक मजदूर मनरेगा के उसी गांव में है क्योंकि मुखिया जी ने सेटिंग कर लिया तो पेमेंट चला जाता है मुखिया जी का कमीशन मिलता है मनरेगा से सीधा गरीब मजदूर के अकाउंट में पैसा देखिए और हम इसे कैसे बदल रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से गुड गवर्नेंस गडकरी से चर्चा हुई हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस को मनरेगा से इसकी चर्चा में थोड़ी आगे करूंगा ये आधार क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं और आप हमारे उत्साहित ऊर्जावान लोग हैं देखो मित्रों ये मेरा आधार कार्ड आप लोगों के पास इसमें क्या है मेरी फोटो है मैं एक पुरुष हूं और पीछे मेरा पटना का स्थायी पता बस इसमें ना मेरे माता पिता का नाम मेरी जाति न मेरा धर्म है न मेरा संप्रदाय है न मेरी उम्र है न मेरी शैक्षणिक योग्यता है न मेरी बीमारी है न मेरा इनकम है जिन चीजों से आपको प्रोफाइल कर सकते हैं सब कुछ नहीं लेकिन और क्या है सिस्टम में हमारे 10 उंगलियों के निशान है और हमारे हाथों की उंगलियों के निशान जो बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में रखे जैसे ही आधार से हम लिंक करते हैं तो सिस्टम कह देता है कि हाँ ये है रविशंकर प्रसाद ये है हितेश वाजपेयी उसे मतलब नहीं पूछा गया कि इनका आधार नंबर ये है बैंक में अपने अकाउंट को देख लिया अब आपको सिम कार्ड देते हैं तो पहले सिम कार्ड में कितना देना पड़ता था आप है अपना नाम बताइए अपना आप सर्टिफाई करिए तो 50% का अब आधार कार्ड दीजिए आपका सिम कार्ड मिल जाता है गडकरी से बातचीत हुई कि हम लोग मोटर ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करते हैं अब क्या होता है कि ड्राइवर ने शराब पी के गाड़ी चलाई धक्का मार दिया तीन चार लोग मर गए भाग करके दूसरे प्रदेश में चला जाया करता था और डुप्लीकेट नाम पर दूसरा फेक लाइसेंस अब जब आप फेक लाइसेंस बनवाएंगे आपका लाइसेंस आधार से लगा हुआ है तो सिस्टम कहेगा कि इनका लाइसेंस ऑलरेडी है क्योंकि ये इनकी 10 उंगलियों के निशान है और इनकी आंखों की उंगलियां है आप झूठ बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलता ये है गुड गवर्नेंस और आपको बता रहे हैं कि हम इसके माध्यम से देश को बदल कैसे रहे हैं आज ई हॉस्पिटल बने ई स्कूल ई कॉलेजेस बहुत सारे काम कर रहे हैं डिजिटल बातें ये सब नहीं है विश्वास से बात करने का लेकिन हम 6 करोड़ भारतीय परिवारों को डिजिटल इलिटरेट करने जा रहे हैं भारतीय भाषाओं में कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब आपको नौजवानों ने ई स्कॉलरशिप दिया है अब आपने यहाँ स्कॉलरशिप दिया आपने वहां स्कॉलरशिप दिया हम सारे स्कॉलरशिप को स्कॉलरशिप पोर्टल पर ले आए
और आधार से जोड़ दिया, लेकिन वेबसाइट की व्यवस्था की है कि आधार नंबर दिखाई नहीं पड़े। लेकिन आपको सीधा क्या क्या स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है सीधा दिखाई पड़ जाएगा, आप कौन है, कहां से। पहले आप एक आदमी ने 10 जगह से स्कॉलरशिप लिया, वह संपन्न है और गरीब छात्र को स्कॉलरशिप दे रही। तो भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है, काला धन है, बाकी है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें, राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा इंस्टीट्यूशनल इंतजाम करें कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात, सेल्फ अटेस्टेशन। अब पहले क्या होता था कि आपको अटेस्टेशन चाहिए तो एमपी साहब के पास जाइए, मेरे साहब के पास जाइए, एमपी वैसे तो कुछ नहीं करते, उनका एक चेला बैठा होता था, खाली मोहर मारता रहता था। मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम हिंदुस्तान के नागरिकों को भरोसा करेंगे, उन पर अटेस्टेशन करेंगे, और जब फाइनल एग्जाम होगा कंपटीशन के बाद तुम्हारा, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना, अगर गलत पाए गए तो नहीं मिलेगी तुमको, आगे तुम्हारे खिलाफ टिप्पणी हो जाएगी। फालतू के क्लास 3 के एडमिशन में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया, देखा होगा आपने। अब क्लास 3 के लिए बच्चे अपना एग्जाम पढ़ के आते हैं, आपको रिटर्न जांच लेना वो लीजिए, वरना उनके बाकी एकेडमिक रिकॉर्ड पे जाइए। अब इंटरव्यू में आप मैनिपुलेट करने के लिए क्लास 3 के लिए उसको समाप्त किया, ऐसे दर्जनों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ा। आपने देखा सब कुछ ऑनलाइन है आजकल, आपको अप्लाई करना है, आपको कंपनी खोलना है, ऑनलाइन जाइए, स्कॉलरशिप लेना है आपको ऑनलाइन जाइए। तो आज जो हम देश को डिजिटली एम्पावर कर रहे हैं, मैंने क्यों सवाल किया, कितने लोग फेसबुक पर, ये भारत की डिजिटल शक्ति जो एम्पावर हुए हैं आप उसका सब क्या है। मैं गांव में जाता हूं, सवाल पूछता हूं, और अगर जानकर खुशी होगी कि फेसबुक को सबसे अधिक फेसबुक प्लेटफॉर्म पर दुनिया में डिजिटल ताकत एक सामने और विस्तार से आ रही है। मित्रों, हमें एक और बात क्या करनी है कि हम देश को कैसे बनाना चाहते हैं। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की, एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, 2022 तो 2022 में जो भारत है उसमें कई संकल्पों को लेना है, उसमें एक संकल्प यह लेना है कि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर 3 साल में यह हो सकता है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों से हमने दलालों को मुक्त कर दिया, तो 5 साल में हम देश से दलालों को मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए।
मैं देखा कि इसमें दो फैक्ट्री थी, एक नोकिया बंद हो गई थी। मित्रों आपको जानकर खुशी होगी और गर्व होगा, पिछले 3 साल में भारत ने 93 मोबाइल बनाने वाली कंपनी आकर के अपनी फैक्ट्री लगा दी। 17 करोड़ मोबाइल फोन बनते हैं और भारत दुनिया का एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। तो भारत ये हम कभी नहीं कहेंगे सब कुछ ठीक हो गया, आज भारत ठीक होने का रास्ता। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आरंभिक भाषण में कहा था, हमें अपने भारत की विरासत से शिक्षा लेनी है, वर्तमान में जीना है और आधुनिक विचारों के साथ भविष्य में भारत का डंका बजाना है, यही सोच विवेकानंद की थी। और उस सोच में मैं गांधी जी की एक बात आज कोट करूंगा, माननीय इंदिरा जी का शताब्दी वर्ष है, उन्होंने की बात कही थी। गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, There is enough in the world for everyone's need. There is not much in the world for everyone's greed. इस दुनिया में लोगों की जरूरत के लिए सब कुछ है, लेकिन लोगों की लालच के लिए कुछ नहीं है। कबीरदास का एक बहुत सुंदर भजन था, वो शब्द, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ में। आप अपने संकल्प में यही प्रार्थना करते हो, अपनी बात समाप्त करता हूं।